नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बालाघाट ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले दिनों दिन प्रकाश में आ रहे हैं। यह सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है कि बिना किसी परेशानी के ग्रामीण अंचलों में शासकीय भूमि में कब्जा करने का सिलसिला लगातार चल रहा है एवं शासन प्रशासन व पंचायत भी इसे रोकने में नाकाम नजर आ रही है। एक ऐसा ही मामला खैरलांजी जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम अमई का है, जहां पर कुछ ग्रामीणों ने स्वयं की कृषि भूमि में खेती कर रहे किसानों के खेत के सामने खेत बनाकर खेती का कार्य कर रहे हैं। इन अतिक्रमणकारियों द्वारा छोटी जंगला की भूमि पर लगभग 25 से 30 एकड़ पर कब्जा कर लिया गया है, जिस कारण निजी भूमि में खेती करने वाले किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कब्जाधारी ग्रामीण अपनी दबंगई दिखाते हुए किसानों को अपने अतिक्रमण किए हुए खेत से नहीं जाने देते, जिस कारण आए दिन वाद विवाद की स्थिति बनती रहती है। आपको बता दें कि ग्राम अमई में भजिया दंड के किसानों की खेती है, जिसे छोटा जंगला के नाम से जाना जाता है। यह राजस्व की भूमि है, इसी के निकट इन किसानों की खेती है, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने रातों रात जेसीबी मशीन से खुदवाकर खेत बना दिया है, जिसकी शिकायत इन किसानों द्वारा पंचायत एवं जनप्रतिनिधियों को भी दी गई है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस संबंध में जब हमने इस हलके के पटवारी मैडम से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में है और इसमें लिखित आवेदन अतिक्रमण हटाने के लिए उन्होंने खैरलांजी तहसील को दिया है। उक्त संबंध में नायाब तहसीलदार सतीश चौधरी से दूरभाष में चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जल्द ही इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही की जाएगी। अगर खबर प्रसारित के बाद अब देखने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन के अतिक्रमणकारियों को कब तक इस अतिक्रमण की भूमि से हटा पाता है। आपका परिचय? सर, मेरा नाम आलोक लंजेवर, बजेदन से। अभी अतिक्रमण को लेके आपको क्या परेशानी हो रही है? यहाँ पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके खेत बना लिया है, क्या है ये पूरा मामला और कैसी क्या दिक्कत हो रही है आपने? सर, ये अतिक्रमण का मामला एक ऐसा है कि पूर्व में ये जो पूरा प्लाट है ये वाला पूरा खाली हुआ करता था, यहीं से हम लोगों का आना जाना भी था। बहुत से किसान हैं यहीं से आना जाना करते थे। बाकी कुछ लोगों ने हमारे प्लाटों के ऊपर में ऐसा अतिक्रमण किया कि हमें अपने खेत में आने जाने के लिए परेशानी होने लग गई। सरकारी ज़मीन में करे ठीक अलग बात है, पर हमारी रास्ता ब्रेक करके हमारी आने जाने की परेशानी बढ़ा दी है और फिर कुछ बोलने जाओ तो फिर ऋतुतों में होती है ये सब परेशानी हमारे साथ में। तो हम चाहते हैं विभागीय कार्रवाई हो इस पर और ये अतिक्रमण हटे। किस विभाग के अंतर्गत ये भूमि आती है? सर, हमें जानकारी है कि छोटा जंगला में आता था। नहीं, बड़े जंगला। अब उसकी एक्चुअल पूरी जानकारी तो नहीं है, बाकी एक जंगला में आता था और ऐसी जानकारी हमारे पास कि ये किसके अधीन है, किस अधिकारी के अधीन है ये जमीन है? ये सर छोटा जंगला रेवेन्यू विभाग के अधीन शायद है, ऐसी जानकारी मिली है। अभी वर्तमान में आप लोग क्या चाहेंगे कि अतिक्रमण हटे या क्या? हम ये चाहते हैं कि विभाग, जिस विभाग से भी संबंधित ये अतिक्रमण मतलब जमीन है, वो विभाग इस पर कार्रवाई करे और ये जो अतिक्रमण हुआ है ये अतिक्रमण हटाए। ग्राम स्तर का काम मामला है तो यहाँ ग्रामीण स्तर पे जनप्रतिनिधि होंगे, आपने कोई शिकायत वगैरह इनके संबंध में या फिर किसी प्रकार? कई बार अपने सरपंचों के माध्यम से या अपन जो अपने से बड़े हैं जो कुछ पॉलिटिक में रखते हैं उनसे ऐसी जानकारी ली, बाकी वो भी ये सब नहीं कर पाए। क्या नाम आपका? आलोक लांजेवार। क्या नाम आपका? रामदयाल पटले। रामदयाल पटले जी, क्या समस्या है? समस्या है सर कि अपने यहाँ जैसे खेती है, यहाँ नीचे में लगी हुई है और आगे पीछे परहा तो लगता ही है और पानी वानी जो है तो जंगला से पानी अपने खेती में जाता था। अन्य लोगों ने क्या है, कब्जा करने के बाद ज़मीन जो है जोत भी कर लिए और हम जो किसान नीचे वाले हैं हमको जाने आने भी मना करते हैं वो लोग। पानी जाने के लिए समस्या, ट्रैक्टर ले जाने के लिए समस्या, बैल ले जाने के लिए, हर चीज़ की समस्या। कौन लोग हैं जिन्हें अतिक्रमण कर लिया और इनकी स्वयं की भूमि है कि सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है? सरकारी ज़मीन पे इन्हें कब्जा किया, स्वयं की उनकी खेती नहीं है और उसके में नीचे में अपनी खुद की स्वयं की खेती है। आप जैसे कि आपका पीछे पे खेत है तो आप लोगों को क्या समस्या होती है, लोग क्या दिक्कत खड़ी करते हैं? आप लोग दिक्कत ये खड़ी करते हैं यानी पानी वानी जाने नहीं देते यहाँ से रास्ते से, और जैसे गाढ़ा बैल जैसे अपन लेके जाते हैं गर्मी के समय में भी खांत वात फेंकने के लिए लेके जाते तो ये लोग रुकते, धूरा पुण्य नहीं देते हैं और बारिश में आगे पीछे परा लगता ही है तो इनके बुहार वहाँ से जैसे गाड़िया घोड़ा लेके चले जाओ अपन ट्रैक्टर वक्टर लेके तो मना करते हैं और डंडे ले लेके दौड़ते हैं वो लोग कि तुम्हारा कुछ नहीं है आगे के, हमने गवर्नमेंट में शासन की जगह पे कब्जा किए हैं, आपका कोई अधिकार नहीं है।
ये सारी बातें वो लोग हम लोग को सुनाते और बोलते हैं। इसके पहले आपने कभी कहीं स्तर पर शिकायत वगैरह की? शिकायत पंचायत में की थी, पटवारी कार्यालय में भी बताए थे, पर उन लोगों ने कोई ध्यान दे नहीं पाया और हमारी शिकायत जो है वो शिकायत कहने पर आए भी नहीं आया। तो आप लोग क्या चाहते हैं वर्तमान में? अभी ये चाहते हैं कि हमारे खेती के ऊपर से जो है जाने आने की रास्ता दे दे, या खेती से जो कब्जा है वो हट जाए यहाँ से। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? अशोक ठाकरे। ठाकरे जी, आपके यहाँ पर कितनी भूमि है और जो किसी दबंग लोगों ने यहाँ कब्जा किया, कितने एकड़ में लगभग यहाँ पर कब्जा किए हैं? सर यहाँ करीबन 30 एकड़ में तो कब्जा हो गया है, 60 से 70 एकड़ करीबन का ये छोटा जंगला के रूप में आता है ऐसा सुनने मिला है। हमने पटवारी कार्यालय जाके भी पूछा, पटवार के माध्यम से पूछा कि ये किस अधीन आती खेती यानी ये जगह, तो उन्होंने बताया पटवारी रेवनी अधीन आती है, छोटा जंगला का, छोटा झाड़ का जंगला का एक कहलाता है ये, इसको सारबट्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऐसे लगभग कितने किसान हैं, जैसे आप लोग कितने किसान हैं जिनकी खुद की भूमि है लेकिन अतिक्रमण के कारण परेशान है, ऐसे कितने किसान हैं? कम से कम 25 से 30 किसान हैं सर, जो आज हमको इनने अतिक्रमण करने की वजह से हमको जाने में परेशानी हो रही है, रोकते हैं, ऊपर में हमारी खेती नीचे में है, इनने स्वयं ने गवर्नमेंट की ज़मीन में समझ लो कब्जा करके हमको आने जाने में रोक करते हैं। कितने लोगों का कब्जा है और कितने कितने एकड़ में होगा? कम से कम सर 15 से 20 लोगों ने कब्जा कर रखे हैं यहाँ। आमतौर में आप लोग गाँव के लोग होंगे, उनसे आपने से बातें की तो क्या बातें करी कि तुमने अतिक्रमण किया, तो इस संबंध में उन्होंने क्या कहा कि? सर उन्होंने तो एक शब्द बोल दिया, जो आता है कौन आता है देखते हैं, हम तो हटाएंगे नहीं, जैसे से वो वैसे से लड़ लेंगे, ऐसा बोला उन्होंने। और हमको तो ऐसा है, आम नागरिक है हम, हमको तो आने जाने में बिल्कुल रोक मना सब चलते आ रहा है। दूसरी बात समस्या ये। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।